हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू लाइफ इट्स सो ना। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ में अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग रूटीन यानी कि नॉर्मल डे का, जब मैं ऑफिस जाती हूँ तब का मॉर्निंग रूटीन, छुट्टी वाले डे का नहीं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी, जो कि मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स रख दिए हैं जो कि आप लोगों को दिख रहे हैं, और साथ में मैं अपनी चाय भी पी रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है ना ऑफिस के लिए, तो मुझे सारे काम साथ में ही करने पड़ते हैं। इधर चाय भी पीती जा रही हूँ, इधर सब्ज़ी भी बनाती जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ऑयल रखा, और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसमें हमने डाला हींग, थोड़ा सा ज़ीरा, और यहाँ पर चॉप करी हुई जो लहसुन कटी हुई रखी थी वो हमने इसमें ऐड कर दिए। तो लहसुन को थोड़ा सा हम ब्राउन होने देंगे, उसके बाद में हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो आलू हमने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि अगर सारे मसाले ऐड करने के बाद अगर आलू हम ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा चिपकता है, क्योंकि आलू थोड़ा सा ड्राई होता है। तो यहाँ पर आलू डालने के बाद में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर डालने के बाद में हम इसमें इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर वाला जो पालक बनता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मम्मी भी जब खाना बनाते थे ना, मतलब पालक की सब्ज़ी बनाते थे, तो हमेशा टमाटर उसमें डालते थे। तो आज मैंने सोचा चलो यार मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो यार खाना बनाते टाइम ना मम्मी की याद आ जाती है, क्योंकि यार जब उनके साथ रहते थे तो सब चीज़ें सीधी साधी मिल जाती थी, अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सारा काम रहता है ऑफिस जाने के पहले। तो मैं रोज़ ऐसे ही सारा काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड करने के बाद में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, और थोड़े से टमाटर गल गए। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर दी। उसके बाद हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। तो ये हमारे आलू पालक की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैंने लगाया फटाफट से आटा, और आप लोग सोच रहे होंगे इतना सा आटा लगा रही थी, तो गाइस मैं अकेले के लिए बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा आटा। तो फटाफट से हम उतार लेते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, और आप लोग भी आ जाइए मेरे यहाँ पर खाना खाने के लिए। मेरे हाथ का खाना खाओगे तो मज़ा आ जाएगा, कम बनाना पड़ता है। पर मेरी बात अधूरी रह गई बीच में ही, एक्चुअल में मैं जब एडिटिंग करती हूँ ना तो कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। तो यहाँ पर मेरी सारी रोटियाँ बन गई है, और ये बन गई है हमारी सब्ज़ी। और सब्ज़ी बनने के बाद में अब आती है बारी क्लीनिंग की, तो वो करना बहुत ज़रूरी हो। और घर में इतनी ज़्यादा लग रही थी ना कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन काम करना भी ज़रूरी। देखिए एक व्यक्ति का खाना बनाओ तो भी इतना सारा काम निकल जाता है, और अगर चार लोगों का खाना बनाओ तो भी इतना ही काम होता है। तो देखिए बर्तनों का ढेर लग चुका है, तो यहाँ पर मैं करूँगी जल्दी से सारे बर्तन क्लीन। उसके बाद मैं पूरा गैस स्टैंड वगैरह सब कुछ क्लीन करूँगी, बेसिन वगैरह सब कुछ, क्योंकि मुझे ना क्लीनिंग बहुत पसंद है और घर में सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैंने सोचा चलो अब क्लीनिंग मतलब मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा सारा काम क्लीनिंग का ख़त्म हो चुका है, मतलब किचन का ख़त्म हो चुका है खाने से रिलेटेड। तो अब बारी आती है हमारे झाड़ू और पोछे की, तो चलिए अब ये काम निपटा कर वो वाला काम करते हैं, और थोड़ी सी फेस टू फेस आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स खाना वाना बन गया है, और हालत देख सकते हो कैसी हो गई है। आज मैंने फेस टू फेस बात नहीं करी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, और ऑफिस के लिए फिर लेट हो जाता है। तो आप लोगों को पता है सुबह उठने के बाद बहुत काम रहता है, चाय नाश्ता खाना, और अभी तो सफाई सारी बाकी है, तब वो करूँगी। सबसे पहले मैं अपने बालों को बांधूँगी, नहीं तो मैं अपना काम भी नहीं कर पाऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम अपने बालों को अच्छे से टाइट कवर कर लेते हैं, और अब लेके आते हैं झाड़ू और शुरू करते हैं अपनी सफाई। तो बहुत तक गई हूँ सच में, बहुत सारे बर्तन थे हाथ धोने।
बहुत गर्मी लग रही है। घर में ने जान निकाल दी, झाड़ू झाड़ू मैं लगाऊंगी पोछा, तो फटाफट से पोछा लगा लेते हैं नहीं तो देर हो जाएगी ऑफिस जाने में, फिर डांट पड़ेगी आज। मैं फटाफट से पोछा लेके आती हूँ। काम करते करते मेरी हालत ना ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो सारा काम भाड़ में जाए, सबसे पहले हम पीते हैं पानी। तो यहाँ पर ये जो मटकी है ना, इसमें बहुत अच्छा ठंडा पानी रहता है, मुझे फ्रिज के पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं इसी का पानी पीती हूँ और वो अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। फ्रिज का पानी क्या है ना, अच्छा नहीं रहता है। और देखिए मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है कि दो दो ग्लास पानी मैंने पी लिया। तो पानी पीने के बाद में मैं यहाँ पर अपना टिफ़िन रेडी कर लूँगी ऑफिस के लिए, क्योंकि मैं सारा काम करके ही फिर नहाने के लिए जाती हूँ, ताकि नहाने के बाद मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट मिलते हैं, उसमें मुझे रेडी होना रहता है, टिफ़िन रखना रहता है और घर में सारी लाइट्स पंखे वगैरह बंद करके ऑफिस जाने की जल्दी रहती है ना, तो मैं टिफ़िन पैक करना फिर भूल जाती हूँ, इसलिए पहले ही मैं टिफ़िन पैक करके रख देती हूँ। तो चलिए टिफ़िन भी हमारा पैक हो गया है, ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका है। सबसे आगे का मेन गेट जो है वो लगा कर आते हैं और फिर जाते हैं नहाने के लिए। अब देखती हूँ मैं क्या पहनती हूँ आज, यही डिसाइड नहीं होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि आज क्या पहने, बहुत गर्मी लग रही है। प्रेस किया हुआ है, ये अच्छी बात है, मुझे प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैं फटाफट नहा कर आती हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ। और पता ही नहीं टाइम क्या हो गया है, टाइम देखते कैमरा चल रहा है तो टाइम भी नहीं दिखेगा, तो मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ।